स्टेट बैंक का मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान, शराय सूद में 150 बेसिस पॉइंट्स कमी। स्टेट बैंक ने शराय सूद 22 से कम करके 20.5% कर दी। ऐलामी के मुताबिक महंगाई में कमी के बायस शराय सूद में कमी की गई। मई में महंगाई की शरह 11.8% रिकॉर्ड की गई। नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल ने आइंदा माली साल के लिए 1500 अरब रुपए के तरक्याती बजट की मंजूरी दे दी। बजट दस्तावेज के मुताबिक 5 साल मनसूबाबंदी की भी मंजूरी दे दी गई। आइंदा साल 3.6% और 2029 में 6% ग्रोथ होगी। ज़राअत की ग्रोथ 2% और सनअती नमो का हदफ 4.4% रखा गया। बरामदात का हदफ 40.5 अरब डॉलर और दरामदात का हदफ 68 अरब डॉलर रखने की मंजूरी। सेहत के लिए 45 अरब रुपए और तालीम और हायर एजुकेशन के लिए 93 अरब रुपए का तरक्याती बजट होगा। और बानी पीटीआई सियासी जमातों से बातचीत के लिए तैयार। सुप्रीम कोर्ट को मुजाकरात के हवाले से खत लिखने का फैसला। खत का जरूरी मतन नोट करवा दिया। खत लिखने का फैसला मुल्की मुआशी मुश्किलात और सियासी अदम इस्तेहकाम खत्म करने के लिए किया गया। खत में इंतखाबी मैंडेट की वापसी, 9 मई जुडिशियल इंक्वायरी समय दीगर सियासी केसेस में फेयर ट्रायल के नुकात उठाए जाएंगे। नैब तरमीमी केस में सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने बानी पीटीआई को सियासी जमातों से बात करने का मशवरा दिया था।